वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बॉलीवुड के पॉपुलर भट्ट फैमिली के हिस्ट्री और इनके शुरुआत से लेकर अंत तक की पीढ़ियों को जानेंगे, जिसमें आलिया भट्ट फिलहाल की एक बहुत बड़ी और टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में उभरी हैं। हालांकि आलिया भट्ट के अलावा भी इस खानदान में इमरान हाशमी, महेश भट्ट और मोहित सूरी जैसे सेलिब्रिटीज शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भट्ट फैमिली का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और ये परिवार कहाँ तक फैला हुआ है। भट्ट फैमिली के वंश की पहली कड़ी हिंदी सिनेमा के एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नाना भाई भट्ट हैं, जो कि 40s से लेकर 60s के बीच के एक पॉपुलर फिल्म मेकर रहे थे और इन्होंने अपने समय में काफ़ी सारी फैंटेसी और माइथोलॉजिकल फिल्म्स बनाया था, जिसमें मिस्टर एक्स, लाल किला और कंगन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा साल 1942 में इनकी पहली फिल्म मुकाबला रिलीज हुई थी, जिसमें कि पहली बार किसी इंडियन फिल्म में डबल रोल या फिर जुड़वा वाला घटना दिखाया गया था, जिसे कि बाद में इंडियन सिनेमा ने इस कदर अपना लिया कि आज तक ऐसी सैकड़ों फिल्में आ चुकी हैं। हालांकि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था, क्योंकि उनका जन्म साल 1915 में पोरबंदर के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, जब इंडिया पर ब्रिटिश लोगों का कब्जा था। और नाना भाई भट्ट ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों में साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम करके किया था, जिसके बाद फिर उन्होंने स्क्रिप्ट और स्टोरीज लिखना शुरू किया, मगर मौका मिलते ही उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर दिया और हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े नाम बन गए। तो इस तरह नाना भाई भट्ट ने अपने भट्ट वंश का नींव रखा और भट्ट फैमिली के वंश का संस्थापक बने। नाना भाई भट्ट की शादी हेमलता भट्ट से हुई थी, मगर सिरीन मोहम्मद अली के साथ भी नाना भाई भट्ट के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे थे। हेमलता भट्ट और सिरीन मोहम्मद अली से नाना भाई भट्ट के 4 बेटे और 5 बेटियाँ हुईं और इनमें से कुछ आज खुद को बॉलीवुड में इस्टेब्लिश्ड कर चुके हैं, जिसमें हेमलता भट्ट के बेटे रॉबिन भट्ट और सिरीन मोहम्मद अली के बच्चे मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, शीला दर्शन और हेना सूरी शामिल हैं। और इस रिश्ते से रॉबिन भट्ट, महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के सौतेले भाई हैं। रॉबिन भट्ट बॉलीवुड के एक पॉपुलर राइटर हैं, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों को लिखा है और इनकी पहली फिल्म आशिकी, जिसे कि इन्होंने ही लिखा था, एक बहुत बड़ी हिट रही थी, जिसके बाद बाजीगर फिल्म के राइटर के तौर पर इन्हें अवार्ड भी दिया गया। इनके अलावा इनके भाई मुकेश भट्ट ने प्रोडक्शन और एक्टिंग के करियर को चुना और कई बड़ी फिल्मों को प्रोड्यूस किया, जिसमें आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और सड़क जैसी आइकॉनिक फिल्में शामिल हैं। मुकेश भट्ट की शादी नीलिमा भट्ट से हुई, जिनसे उनके एक बेटी साक्षी और एक बेटा विशेष भट्ट हुए, जो कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने अब तक बॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किए हैं। मगर इनके कुछ बड़े अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने 21 साल की एज में इमरान हाशमी की फिल्म जन्नत को प्रोड्यूस किया था, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके अलावा 27 साल के एज में इन्होंने मर्डर 3 को भी डायरेक्ट किया है। मुकेश भट्ट ने अपने भाई महेश भट्ट के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया, जिसका नाम मुकेश भट्ट के बेटे विशेष भट्ट पर विशेष फिल्म्स रखा गया, जहां रॉबिन भट्ट बॉलीवुड के एक राइटर और मुकेश भट्ट एक प्रोड्यूसर के तौर पर फेमस हुए, वहीं महेश भट्ट ने अपना करियर डायरेक्शन के फील्ड में चुना। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों के लिए प्रोडक्शन और स्क्रीन राइटिंग का काम भी किया है। महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और रॉबिन भट्ट तीनों भाइयों ने मिलकर विशेष फिल्म्स के बैनर तले कई सुपरहिट और आइकॉनिक फिल्मों को बनाया। महेश भट्ट के शुरुआती करियर में साल 1984 की फिल्म सारांश उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसको इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। हालांकि सारांश ने महेश भट्ट को एक टैलेंटेड डायरेक्टर के तौर पर साबित कर दिया था, मगर साल 1986 की फिल्म नाम के सुपरहिट होने के बाद उन्होंने खुद को कॉमर्शियल फिल्मों में भी साबित किया और एक पॉपुलर डायरेक्टर बन गए, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर आवारगी, आशिकी और दिल है कि मानता नहीं जैसी आइकॉनिक फिल्मों को डायरेक्ट किया और बॉलीवुड के कुछ सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक बन गए। मुकेश भट्ट महेश भट्ट के छोटे भाई हैं और रॉबिन भट्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनके सौतेले भाई हैं। और 30 सालों तक एक साथ काम करने के बाद मुकेश भट्ट और महेश भट्ट के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण दूरियां आने लगी और फाइनली एक दिन उन्होंने अपना ये 30 साल पुराना पार्टनरशिप तोड़ दिया, जिसके बाद विशेष फिल्म्स को मुकेश भट्ट ने ओवरटेक कर लिया। अगर महेश भट्ट के पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने कुल 2 शादियाँ की थी, जिसमें से पहली शादी साल 1970 में लॉरेन ब्राइट से हुई थी, जिनका नाम बाद में किरण भट्ट कर दिया गया। वही दूसरी शादी साल 1986 में सोनी राजदान से हुआ। महेश भट्ट और किरण भट्ट के एक बेटी पूजा भट्ट और एक बेटा राहुल भट्ट हैं। महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू फिल्म डैडी से किया था,
जब वो सिर्फ 17 साल की थी। मगर पूजा भट्ट की पहली बिग स्क्रीन डेब्यू साल 1991 की सुपरहिट फिल्म दिल है कि मानता नहीं से हुआ, क्योंकि डैडी एक टेलीविजन फिल्म थी और इसे टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। इसके बाद उन्होंने 90s की और भी कई फेमस फिल्मों में काम किया, जिसमें उनके पिता महेश भट्ट और चाचा मुकेश भट्ट की सड़क और जुनून जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि 2001 में एक्टिंग को छोड़ने के बाद पूजा भट्ट ने फिल्मों को डायरेक्ट करने और प्रोड्यूस करने पर फोकस किया। साल 2004 की फिल्म पाप से पूजा भट्ट ने डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया, जिसमें जॉन अब्राहम और उदिता गोस्वामी लीड रोल्स में नजर आए थे। इसके अलावा पूजा भट्ट ने और भी कई फिल्में डायरेक्ट की, मगर वो फिल्में कुछ खास नहीं चल पाई और पूजा भट्ट एक डायरेक्टर के तौर पर असफल ही रहीं। पूजा भट्ट ने लास्ट टाइम साल 2020 में फिल्म सड़क 2 को डायरेक्ट किया है, जो कि 1991 की फिल्म सड़क की सीक्वल थी। महेश भट्ट और किरण भट्ट के बेटे और पूजा भट्ट के छोटे भाई राहुल भट्ट प्रोफेशन से एक फिटनेस ट्रेनर हैं और ये साल 2010 में बिग बॉस के 4th सीजन में एक कंटेस्टेंट भी रहे थे। महेश भट्ट की दूसरी वाइफ सोनी राजदान से इनकी 2 बेटियां हुईं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम शाहिन भट्ट और छोटी बेटी आलिया भट्ट हैं। हम में से सब लोग आलिया भट्ट को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पर महेश भट्ट की बड़ी बेटी और आलिया भट्ट की बड़ी बहन शाहिन भट्ट को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर शाहिन भट्ट के प्रोफेशनल करियर की बात करें तो ये एक राइटर हैं, जिन्होंने साल 2012 की फिल्म सन ऑफ सरदार के लिए को राइटर का काम किया था। इसके अलावा इन्होंने जहर और जिस्म 2 जैसी फिल्मों के कुछ सीन्स को भी लिखा है। शाहिन भट्ट राइटिंग के अलावा फिल्म मेकिंग और एडिटिंग भी जानती हैं, जो कि वो लंदन से सीख के आई हैं, और यही रीज़न है कि उन्होंने राज 3 में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया था। हालांकि शाहिन भट्ट अभी तक बॉलीवुड में एक बड़ा नाम नहीं बन पाई हैं और अभी तक उन्होंने जितना भी काम किया है वो या तो असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर को राइटर के तौर पर किया है। अब दोस्तों महेश भट्ट की छोटी बेटी और शाहिन भट्ट की छोटी बहन आलिया भट्ट के बारे में बात करते हैं। आलिया भट्ट सोनी राजदान और महेश भट्ट की दूसरी बेटी हैं। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना था और साल 1999 की फिल्म संघर्ष से इन्होंने एज अ चाइल्ड अपना एक्टिंग डेब्यू किया, जिसमें आलिया भट्ट ने प्रीति जिंटा के बचपन का रोल प्ले किया था। इसके बाद इन्होंने साल 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लीड रोल में अपना डेब्यू किया, जिसके बाद आलिया भट्ट ने कई तरह के फिल्में की और हर फिल्म के साथ खुद को एक बेहतर एक्ट्रेस साबित करती गईं। साल 2014 की फिल्म हाईवे और साल 2016 की फिल्म उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने साल 2018 की फिल्म राजी में लीड रोल प्ले किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और ये साबित हो गया कि आलिया भट्ट खुद के दम पर भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकती हैं। और फिलहाल आलिया भट्ट बॉलीवुड की एक लीडिंग एक्ट्रेस हैं और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। आलिया भट्ट के पर्सनल लाइफ को देखें तो इन्होंने बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर से शादी की है, जो कि बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान पृथ्वीराज कपूर के कपूर खानदान के मेंबर हैं और पृथ्वीराज कपूर के परपोते हैं, और इस रिश्ते से आलिया भट्ट कपूर खानदान की बहू हैं। तो दोस्तों अब आप नाना भाई भट्ट के 3 बेटे रॉबिन भट्ट, मुकेश भट्ट और महेश भट्ट के बारे में जान चुके हैं। हालांकि नाना भाई भट्ट के 4 बेटे थे, पर 4th बेटे फिल्मी वर्ल्ड से दूर रहे हैं और उनकी कोई जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। तो चलिए अब नाना भाई भट्ट की बेटियों और महेश भट्ट की बहनों के बारे में जानेंगे। महेश भट्ट की 5 बहनों में से 2 बहनें ही फिल्मों से जुड़ी रह पाई, जिसमें शीला दर्शन और हीना सूरी शामिल हैं। पहले बात करते हैं शीला दर्शन के बारे में। शीला दर्शन के 2 बेटे हैं, जिनका नाम धर्मेश दर्शन और सुनील दर्शन है, और ये दोनों ही बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं। महेश भट्ट के भांजे धर्मेश दर्शन और सुनील दर्शन दोनों ने मिलकर एक साथ कई सारे फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। धर्मेश दर्शन ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू साल 1993 की फिल्म लुटेरे से किया था, जिसे कि उनके भाई सुनील दर्शन ने प्रोड्यूस किया था, और ये फिल्म एक हिट रही थी, जिसके बाद इनकी दूसरी फिल्म राजा हिंदुस्तानी उस साल की सबसे बड़ी हिट बनने के साथ साथ 90s की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों में भी शामिल हो गई, जिसको आज एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। राजा हिंदुस्तानी के बाद धर्मेश दर्शन उस टाइम के बड़े डायरेक्टर्स में गिने जाने लगे और इस बीच उन्होंने मेला, धड़कन और अंदाज जैसी बड़ी फिल्में बनाई। बाद में सुनील दर्शन ने भी साल 1996 में फिल्म अजय से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया और ये भी एक हिट रही। इससे पहले तक सुनील दर्शन सिर्फ एक प्रोड्यूसर थे, मगर अजय फिल्म से वो एक डायरेक्टर भी बन गए। इसके बाद उन्होंने साल 1999 की फिल्म जानवर को डायरेक्ट करने से साथ साथ प्रोड्यूस भी किया, जो कि एक बड़ी हिट रही। और अपने भाई धर्मेश दर्शन की तरह ही ये भी उस टाइम के फेमस डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। अब बात करते हैं शीला दर्शन की बहन हीना सूरी के बारे में।
जिनके एक बेटे मोहित सूरी और एक बेटी सुमाइली सूरी हैं। सुमाइली सूरी मोहित सूरी की बड़ी बहन है और महेश भट्ट इन दोनों के मामा लगते हैं। इस रिश्ते से आलिया भट्ट मोहित और सुमाइली सूरी की कजन सिस्टर हैं। पहले बात करेंगे सुमाइली सूरी की, जो कि एक एक्ट्रेस और डांसर होने के साथ मॉडल भी हैं। इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू साल 2005 की फिल्म कलयुग से किया था और आगे भी कुछ फिल्मों में काम किया, पर इनका करियर कुछ खास नहीं चला। सुमाइली सूरी के भाई मोहित सूरी ने एक डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड में अपना पकड़ बनाया और आज एक फेमस डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपना डेब्यू एक डायरेक्टर के रूप में साल 2005 की फिल्म जहर से किया और आज इन्हें मर्डर 2, एक विलन, आशिकी 2 और आवारापन जैसी मास्टरपीस फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है। हालांकि डायरेक्टर बनने से पहले इन्होंने कसूर, आवारा पागल दीवाना और फुटपाथ जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया था और डायरेक्टर बनने के बाद शुरुआत की कुछ फिल्में किसी भी तरह से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी, मगर साल 2011 की फिल्म मर्डर 2 मोहित सूरी के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ, जो कि उस साल की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों में से एक बन गई और इसके बाद मोहित सूरी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। साल 2013 में मोहित सूरी ने उदिता गोस्वामी से शादी कर लिया, जो कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं और इन्होंने अक्सर और जहर जैसी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया है। तो अब बात करते हैं भट्ट फैमिली के एक और मेंबर मिलन लुथरिया के बारे में। ये बॉलीवुड की एक फेमस डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, कच्चे धागे और द डर्टी पिक्चर जैसी कई फिल्में बनाई हैं। मिलन लुथरिया की नानी महेश भट्ट की माँ शिरीन मोहम्मद अली की छोटी बहन थी, जिस हिसाब से मिलन लुथरिया महेश भट्ट के मौसेरी बहन के बेटे और मौसेरे भांजे हैं। इनके अलावा इमरान हाशमी भी भट्ट फैमिली के एक मेंबर हैं और रिश्ते में ये महेश भट्ट के भतीजे लगते हैं। इस रिश्ते को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि महेश भट्ट की मदर शिरीन मोहम्मद अली की एक बहन थी, जिनका नाम पूर्णिमा था, और इनके बेटे अनवर हाशमी इमरान हाशमी के पिता हैं। साफ शब्दों में बोले तो इमरान हाशमी महेश भट्ट की मौसी पूर्णिमा के पोते हैं और ये दोनों रिश्ते में चाचा और भतीजे लगते हैं। वहीं आलिया भट्ट इमरान हाशमी की कजन सिस्टर हैं। तो दोस्तों, ये था भट्ट फैमिली का हिस्ट्री और इसके शुरुआत से लेकर अब तक के फैमिली मेम्बर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।